हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़। और आप जैसे पीछे देख रहे होंगे कि मैंने बनाया है एक बड़ा सा घर मेरे लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने अपना घर को अपग्रेड कर दिया है, तो चलो आज को वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरा घर कैसा है अंदर से। तो चलिए चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। तो ये आ गए, तो ये है दरवाज़ा, और दरवाज़ा के अंदर घुसते ही ये बंद हो गया। तो यहाँ मैं बनाने वाला हूँ लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का काम अधूरा है, और इस तरफ मैंने बनाया है एक फार्म छोटा सा, जहाँ से मैं फूड ले सकता हूँ और फूड को उगा पी सकता हूँ। और इस तरफ है स्टोरेज रूम, यहाँ मैं रख सकता हूँ मुझे जो भी सामान रखना हो। इस चेस्ट में देखो ये रहा एक खाने का चीज़, और ऐसा मैंने अभी मुझे यहाँ अपग्रेड करना है बहुत सारा। और ये दरवाज़ा है, मैंने देखो ट्रैप डोर से कवर करके दे बनाया है। चलिए अंदर का दिखाता हूँ मैं। ये अभी ये किया दरवाज़ा बंद, तो इस तरफ मैंने रख दिया है एक आर्मर स्टैंड और उसके आर्मर। और यहाँ है मेरा एक्सपेंसिव बेड 10 करोड़ रुपये का। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसा दिखता है। तो ये रही सीढ़ी, मैंने सीढ़ी बना दी है। तो चलो ये रहा ऊपर की जगह, तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ से कुछ ऐसा। और ये है पीछे का नज़ारा जो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अभी रात हो रही है तो सो जाते हैं। ये सो गया मेरे बेड पे। ओके, तो अभी हो गई है मॉर्निंग। तो चलिए बाहर चलते हैं और कुछ काम करते हैं, देखते हैं क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। हमें बनाना है बहुत सारा बुक जो बनेगा लीथर से, और लीथर इसमें शायद एक चेस्ट में एक दो होगा और यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ खोलता हूँ, देखते हैं कितना है। मेरे पास अभी 3 ही है, तो मुझे ज़्यादा इकट्ठा करना होगा। तो चलिए मैं सारे इकट्ठे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने कलेक्ट कर लिए है बहुत सारे लीदर्स। तो अब चाहे मुझे सुखा ज्ञान जिससे बनेगी पत्ते नहीं पेपर बोलते हैं उसको, तो पेपर मुझे बनाने होंगे। तो मैंने इसके लिए शुगर कैन चाहिए, तो मैंने शुगर कैन बहुत सारे पहले से ही यहाँ मैंने उगा रखे हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो ये रहे मैंने यहाँ बिल्कुल समुद्र के पास ही मैंने ये उगाए है। तो चलिए इसे ले लेता हूँ जल्दी से फास्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं लेके आ चुका हूँ पूरा एक स्टैक और दूसरे 18। तो अब मुझे इसको बनाना होगा पेपर। तो चलिए अंदर चलता हूँ सबसे पहले। तो ये खोला गेट, तो मैं अंदर घर में जाके बनाता हूँ पेपर्स। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, तो चलिए यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल को मैं बना लेता हूँ पेपर। तो ये पेपर कहाँ है, ये रहे पेपर। तो चलो सब कुछ बना लेता हूँ सबसे पहले। तो ओके, मैंने तो बना लिए है पूरे पेपर 64 हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बना लिए है 3 बुक सेल्फ। तो चलो इसे बाहर लगाते हैं। तो यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बनाना होगा इंजाइटिंग टेबल, इंचाइमेंट टेबल बोलते हैं उसको। तो इसके लिए डायमंड चाहिए, और ये रहे डायमंड। तो मैंने ये 2-3 बार माइनिंग के लिए गया था, तो वहाँ से मुझे मिला था। और हमें इंचाइटिंग टेबल के लिए सिर्फ 1-2 ही चाहिए होगा। तो चलिए ऑब्सीडियन ढूंढते हैं, इसमें ऑब्सीडियन का भी ज़रूरत होगा। तो इस चीज में देखता तो ये रहे ऑब्सीडियन, तो चलो यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये ले लिए ऑब्सीडियन। अब हमें क्राफ्टिंग टेबल में जाना होगा, तो चलिए क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं। तो हमारा क्राफ्टिंग टेबल है घर में, तो चलिए घर में चलते हैं और घर में जाके देखते हैं। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, चलो यहाँ से बना लेते हैं एक इंचमेंट टेबल। तो ये रहा इंचमेंट टेबल। अरे लेकिन ये तो गलत सीन हो गया, हमारे पास 3 ही ऑब्सीडियन है और हमें चाहिए 4। तो चलिए नीचे ला पूछ लाते हैं। तो यहाँ हमें बना लेते हैं पिकैक्स डायमंड की। अब और ये हमारी माइनक्राफ्ट के सबसे पहली डायमंड की पिकैक्स होने वाली है। ये पिकैक्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम आयरन की पिकैक्स से ऑब्सीडियन नहीं तोड़ सकते, तो इससे तोड़ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं केव में। तो ये हम जाने वाले हैं सबसे पहले ये एक
अंडरग्राउंड क्यू में जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, चलो तो वहाँ चलता हूँ। तो ये अंडरग्राउंड होगा हमारे ये ट्रैपडोर के नीचे जो मैंने यहाँ केव के पास ही बनाया था। तो ये ऐसा है कुछ अंदर से, यहाँ मैंने लाइटिंग कर रखी है क्योंकि यहाँ जॉम्बी वम्बी कोई स्पॉन ना हो। तो चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं। और यहाँ से मैंने स्टेयर जैसी माइनिंग की है, तो सीढ़िया जैसी, तो यहाँ से जरता हूँ। और यहाँ एक मेरा सीक्रेट रूम है, तो चलो दिखाता हूँ। ये रहा सीक्रेट रूम। तो यहाँ से मैं ले जाता था बहुत सारे कोबलस्टोन और जो मुझे चाहिए था वो कोल बोल आयरन। बारिश से आपको पीछे से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो यहाँ से ये, तो ये इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ ऊपर एक केव है जो मैं वहाँ गया था लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा था। तो यहाँ मैं माइनिंग कर रहा था लास्ट बार में। तो चलो यहाँ से अब हमें ऑक्सीडियन लेना है, तो नीचे चलते हैं। तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं नीचे। तो चलिए अब यहाँ से, यहाँ बहुत सारा लावा था जो मैंने यहाँ से पानी से यहाँ लगा कर यहाँ बना दिया है उसको ऑक्सीडियन। तो चलिए यहाँ से इसे ले लेता हूँ एक। तो यहाँ तो नीचे लावा होगा, तो इसलिए यहाँ साइड में से यहाँ ले लेते हैं एक ऑक्सीडियन। तो चलिए यहाँ से जो यहाँ मैंने की थी माइनिंग बहुत सारी और इस तरह भी थोड़ी क्विक की थी, तो चलो यहाँ से ले लेता हूँ ऑक्सीडियन। तो ये लिए कितनी देर लगेगा इसको निकलने में, जो रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं रहा। अरे नहीं, ये लावा कहाँ से आ गया, मेरा एक ऑक्सीडियन ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ से दूसरा लेंगे ऑक्सीडियन। तो चलिए इसको यहाँ से पहले बंद करना होगा, तो यहाँ ये रख देता हूँ ये प्लैंक्स। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा माइनिंग करने के लिए। तो फाइनली हमारा टूट गया है ऑब्सीडियन, तो चलिए इसे ले लेते हैं। हमें मिल गया, देखते हैं मिला है या नहीं। मिल गया हमें चार चाहिए था और हमें चार ही मिल गया। तो चलो अब चलते हैं ऊपर। तो हम आ गए हैं ऊपर। तो ये अभी बारिश शुरू हो रही है, तो इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। चलते हैं हमारे इंजेक्टिंग टेबल के बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास। तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा और ये पहुँच गया। तो अरे ये बन यहाँ खुल गया, तो चले कोई बात नहीं, अभी यहाँ से दरवाज़ा खोल के ही जाने वाला हूँ। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ बनाऊँगा इंचमेंट टेबल। चलिए बनाते हैं। कहाँ गया, शायद ये टूस में नहीं, यहाँ ये रहा। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं, ये बन गया। तो चलिए बन इसको अब रखना है मैं बाहर। तो हमारे पास एक ही डायमंड बचा है, चार थे और एक ही रह गया। तो इसमें इंचिंग टेबल को रखने वाला हूँ इस साइड। तो चले यहाँ से दरवाज़ा खोल के चल जाते हैं अंदर। मैं इंचिंग टेबल बीचों बीच रखने वाला हूँ, तो शायद यहाँ बीच है। तो यहाँ एक यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि इसके पीछे आएगा एक दो क्या बोलते हैं बुक शेल्फ। तो यहाँ रख दिया, हमें लगानी है बुक शेल्फ। तो एक यहाँ लगाते हैं, एक का गैप छोड़ के यहाँ। तो रखा ये रखा, अब यहाँ दूसरा पास में ही लगाना है, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ एक गैप छोड़ के यहाँ रखना है। तीसरा हम रखते हैं यहाँ, ये रखा। अब हमारे पास तीन ही थे लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा बना लूँगा। अब देखते हैं हम तीन बुक शेल्फ पे क्या इंचमेंट मिलती है। तो यहाँ रखते हैं अपनी एक पिकैक्स। तो पता नहीं कौन से शब्द मिल गया। तो ये रहा, हमें मिल रहा है अनब्रेकिंग वन, लेकिन हमारे पास अभी लैपिस लजुली नहीं है, तो हम वो लाएंगे दूसरे वीडियो में। अब मुझे बहुत सारे पेपर्स और चाहे होंगे पेपर्स और मुझे चाहे होंगे लीदर्स, तो ला दूंगा। तब तक के लिए यहाँ से यहाँ दूसरी साइड में यह प्रूप बड़े हो गए हैं, तो इसे ले लेता हूँ। अभी मेरे पास हो गए 64। अब यहाँ हमें जो सीड मिले है उसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करके और चार पांच बुक शेल्फ बना डाले हैं, तो अब देखते हैं अभी क्या मिलता है। तो यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ एक डायमंड क्या स्टॉप क्या मिलता है। और भी मिल रहा है हमें फॉर्चून वन। वीडियो तक मैं इसे बड़ा सा लाइब्रेरी बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ अच्छा करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। तो चलता हूँ मैं। अरे तू जा रही।